मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है, क्योंकि इंतजार सबसे ज्यादा इसी पर था कि बीएसपी की तरफ से क्या जो चीज है वो निकल कर सामने आती है। और मायावती का सामना जो कहना है वो सामने आया और कहा है उन्होंने कि मौत के सही तथ्य सही फैक्ट सामने आने चाहिए। परिवार लगातार गंभीर आरोप लगा रहा था। मायावती ने इस बात का भी जिक्र किया और कहा कि आरोपों की उच्च स्तरीय जांच बेहद जरूरी है, कुदरत परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। एक तरफ जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वहां दूसरी तरफ मायावती का बड़ा बयान, क्योंकि इंतजार इसी बात का सामने आ रहा था कि आखिरकार मायावती की क्या प्रतिक्रिया होती है। और उन्होंने देखिए ये ट्वीट किया है और लिखा है कि मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार के द्वारा जो लगातार आशंकाएं और गंभीर आरोप लगाए गए उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सके। ऐसे में उनके परिवार का दुखी होना भी स्वाभाविक है, कुदरत उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, क्योंकि बीएसपी से वो विधायक रह चुके हैं और ऐसे में सभी इस बात को गाय बगाए कह रहे थे कि इस पर मायावती का और बीएसपी का क्या रिएक्शन होता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वहीं अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी सभा महासचिव शिवपाल यादव ने भी रिएक्ट किया इस पूरे मामले पर। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का निधन दुखद उन्होंने बताया है और कहा है कि ईश्वर दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान करे, शोक संतृप्त परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। सपा नेता सपा महासचिव शिवपाल यादव का एक्स पर किया गया वो पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का निधन बेहद दुखद है, ईश्वर दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान करे, शोक संतृप्त परिजनों को इस असीम दुख को सहने की। और रामगोपाल यादव का भी किया गया एक्स पर पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की जिन परिस्थितियों में मौत हुई वो अत्यधिक चिंताजनक है, उन्होंने न्यायालय में अर्जी देकर पहले ही जहर के द्वारा अपनी हत्या करने की आशंका व्यक्त की थी। मौजूदा व्यवस्था में तो ना तो जेल में कोई सुरक्षित है, ना तो पुलिस कस्टडी में कोई सुरक्षित है और ना ही अपने घर में। प्रशासनिक आतंक का माहौल पैदा करके लोगों को मुंह बंद रखने का विवश किया जा रहा है। अनूप इस खबर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, सबसे ज्यादा जो इंतजार हो रहा था वो देखिए बीएसपी प्रमुख मायावती का हो रहा था कि आखिरकार इस पूरे मामले पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। एक तरफ तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है, वहीं दूसरी तरफ कई जो बड़ी चीजें हैं रिएक्शंस हैं निकल कर सामने आ रहे हैं। सपा और बीएसपी ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया इस पूरे मामले में, अपनी बात भी कह दी, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल है, जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है उसके बाद पूरी तरह से जो तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार जो है अपना रिएक्शन दे रही हैं, चाहे सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें या अब बीएसपी की बात करें। खुद मायावती ने जो है एक्स पे पोस्ट किया और सीधे तौर पे ये डिमांड की है कि जो परिजन जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, तमाम जो आशंकाएं जताई गई हैं उसको देखते हुए इस पूरे मामले की जो है उच्च स्तरीय जो जांच है वो होनी चाहिए, यानी उनकी जो डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए। मायावती ने जो है सीधे तौर पे जो है परिजनों साथ जो है इस डिमांड को लेकर के जो है सहमति जताई है। दूसरी तरफ सपा की बात करें, जो बड़े लीडर हैं चाहे रामगोपाल यादव हो या शिवपाल यादव हो या जो और जो अन्य लीडर हैं, वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत जो है दुखद है और जिस तरह से पूरी घटनाक्रम सामने आया है और जो आशंकाएं जताई गई थी कि स्लो पॉइजन दे करके जो है मुख्तार अंसारी को मारा जा सकता है, ऐसा मुख्तार अंसारी की तरफ से भी जो है अंदेशा जताया गया था, आरोप लगाया गया था और परिजन भी लगातार ये बात उठा रहे थे। तो ऐसे में इस पूरे मामले की जो है जांच होनी चाहिए और दूध का दूध जो है वो सामने आना चाहिए। आखिर मौत की वजह क्या रही है, क्या वास्तव में जो आरोप है मुख्तार अंसारी या उसके जो परिवार की तरफ से, क्या उनमें क्या सच्चाई है? तो यही वजह है कि जो उच्च स्तरीय जो जांच की मांग है वो लगातार उठने लगी है और जो परिवार है परिवार की तरफ से भी लगातार यही डिमांड की जा रही है। तो दूसरी तरफ जो डीएम है, डीएम की तरफ से जरूर जो है जांच कमेटी बनाई गई है, 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जो है जांच करेगी। दूसरी तरफ सबसे अहम अब ये होगा कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी के शव का जो पोस्टमार्टम हो रहा है उसकी जो रिपोर्ट आनी है, यानी जो रिपोर्ट है वो भी काफी मायने रखेगी कि जिस तरह से परिवार ने आरोप लगाया है कि स्लो पॉइजन दे करके जो है मुख्तार अंसारी को मारा गया है, तो लिहाजा
जो पीएम रिपोर्ट आएगी उससे भी कई खुलासे जो है वो सामने आएंगे कि क्या जो परिवार या मुख्तार अंसारी आरोप लगा रहे थे कि उसमें कितनी सच्चाई है या वास्तव में ये जो आरोप है वो पूरी तरह से निराधार साबित होते हैं। तो अब पीएम रिपोर्ट जब पीएम हो जाएगा उसके बाद जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट जो है काफी मायने रखेगी, उस रिपोर्ट में क्या निकल करके आता है इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ पीएम की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है क्योंकि उमर अंसारी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो पोस्टमार्टम हाउस की प्रक्रिया है वो लगातार की जा रही है। पहले पंचनामा किया गया उसके बाद अब शव का जो है जो पोस्टमार्टम है वो लगातार किया जा रहा है। जो 5 डॉक्टरों का पैनल है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार ये जो प्रक्रिया है अब शुरू हो चुकी है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है, खुद वहां पर मजिस्ट्रेट जो तमाम अधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। जब पीएम की प्रक्रिया शुरू हो जाए खत्म हो जाएगी तकरीबन माना जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटा जो है ये पूरा प्रोसेस चलेगा और उसके बाद जब ये पूरी प्रक्रिया खत्म होगी तो उमर अंसारी को जो है मुख्तार अंसारी का शव जो है वो सौंप दिया जाएगा। और जो ये आप रास्ता देख रहे हैं जिस रास्ते से उमर अंसारी हॉस्पिटल में आए हैं इसी रास्ते से बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के शव को जो है सीधे गाजीपुर के लिए रवाना कर दिया जाएगा और इसके इस पूरे काफले के साथ यानी मुख्तार अंसारी के शव के साथ जो है लंबा चौड़ा जो है काफला जो है सुरक्षा घेरा वो मौजूद रहेगा। कई गाड़ियां जो है अधिकारियों की मौजूद रहेंगी, कई सुरक्षा कर्मी जो है साथ में इस पूरे शव यात्रा में चलेंगे और गाजीपुर तक ये पूरी जो यात्रा है वो भारी सुरक्षा के घेरे में पहुंचाई जाएगी। उसके बाद वहां पर जो है जो स्थान है जहां पर सुपुर्दे खाक की जो कार्रवाई होनी है वो जो प्रक्रिया है वो आगे की जाएगी और जिसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है। मेडिकल कॉलेज से जैसे ही जो है शव यात्रा यहां से निकलेगी मुख्तार अंसारी की उसके साथ साथ जो है सुरक्षा का जो घेरा है वो लगातार जो है कंटिन्यू जो है बना रहेगा गाजीपुर तक। और इस बीच जितने भी पुलिस थाने पड़ते हैं जितने भी अधिकारी पड़ते हैं सबको अलर्ट पे रखा गया है क्योंकि आज जुम्मे की नमाज भी है, जुम्मे की नमाज अदा होनी है। ऐसे में डीजीपी मुख्यालय से खास तौर पे जो है आदेश जारी किया गया है तमाम कि हर पॉइंट पर जो है नजर बनाए रखें, सुरक्षा को लेकर तमाम चीजें बढ़ती जाएं और ऐसे में तमाम